डरा देंगे कि ये रात में दोबारा ना निकल जाए इंस्पेक्शन में, तो मैं बताना चाहती हूँ मैं रात में बार बार निकलूंगी, और मेरा उन लोगों को कहना है कि आप भी रात में निकलिए, और क्यों ना निकले रात में महिला। मेरे को सबसे पहले जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, जो पुलिस ऑफिसर मिला उसने मुझसे सबसे पहले ये जवाब ये पूछा, मैडम आप इतनी रात में कर क्या रही थी, क्यों नहीं कर सकती, क्यों नहीं खड़ी हो सकती, भाई कोई लड़की कहीं फंस सकती है, कोई गाड़ी खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और क्या सिर्फ हमारी सड़कें सिर्फ मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं है। स्वाति, हमने अक्सर देखे हैं कि महिलाओं पर अगर दोस्ती नहीं हुई, प्रपोजल नहीं माना तो एसिड डाल दिया। कभी हमने किसी महिला को नहीं देखा कि किसी पुरुष ने उसको रिजेक्ट किया हो और महिला ने उस पर एसिड डाल दिया हो। तो ये पहली बात, तो ये बात सिरे से गलत है और लगातार हम इसको कंडम कर रहे हैं, लोगों में अभियान चलाते हैं, सब कुछ है, उनका बाकायदा एक ग्रुप भी है जो खुद काम भी करता है, सामने भी आता है, लेकिन इन पर अभी तक वो रोकथाम नहीं लग पा रही। क्यों नहीं लग पा रही? मेरे हिसाब से जो हमारी देश की सरकार है और बाकी राज्य की सरकारें भी कहीं ना कहीं एसिड अटैक को लेकर संजीदा नहीं है।